सो ये व्हाट्सअप गाइस लेके आ चुका आप लोगों के लिए एक और नया स्किल मैच इन वन गो का वीडियो। आई नो काफी सारे लोग वेट कर रहे हैं, लेकिन समझने की कोशिश करो। एक दिन मुझसे जितना बन पाता है मैं उतने स्किल बच अपलोड करता हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं ट्राई करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा स्किल बच कर सकूं इन बचे हुए 3 दिनों में। चलो तो आज हम देखने जा रहे हैं वन गो वाली वीडियो को। सर ऑलरेडी 9 बैचेस के हम वीडियो अपलोड कर चुके, चेकआउट नहीं करिए चेकआउट कर लेना, लिंक सर डिस्क्रिप्शन। आज हम देखने जा रहे हैं अपना अगला स्किल बैच जिसका नाम है सेटअप एन एनवायरमेंट ऐप डेव एनवायरमेंट ऑन गूगल क्लाउड का, ठीक है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी। आपको जो है ऐसे ओपन नहीं करना है इसको, ठीक है। इसमें क्योंकि काफी लैब और में है तो सारी कंप्लीट करने की जरूरत नहीं, एक भी करेंगे हमारा काम हो जाएगा। तो अभी हम करने जा रहे हैं ये क्लाउड स्टोरेज क्विक स्टार्ट, या ये वाली कर लेते हैं, ये वाली ज्यादा बेटर लग रही है क्योंकि हमने ऑलरेडी करी भी है। तो मैं जरा इस पे साइन इन करके अपने अकाउंट को मिलता हूँ। ओके, यहाँ पे अगेन आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक कर दूंगा एंड क्लाउड स्टोरेज क्विक स्टार्ट CALISDK को हम कॉपी कर लेंगे इतने पार्ट को एंड इधर आ जाएंगे सर्च बार में, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी अली लैब, इसको ओपन कर लेना। ओके, तो यहाँ मैंने ओपन कर लिया। अगेन पासवर्ड को कॉपी करके कॉन्सोल को इनकॉग्निटो मोड में ओपन करके आपको आगे वीडियो में मिलता हूँ। फिर यहाँ पे हमारा कॉन्सोल ओपन हो चुका है। यहाँ पे मैं क्लाउड शेल एक्टिवेट कर लेता हूँ, इसकी साइज जो है मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ एंड अगेन इसकी साइज जो है मैं यहाँ पर इंक्रीज कर देता हूँ। कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे टैप कर देना है। अगेन जाना है बैक जाके आना अपने सीधे कोड पे, कोड पे आके इस पर्टिकुलर कॉपी कर लेना इस कमांड को। अगेन इस साइड पे आना, इसको ओपन हो जाने देना। जब तक ओपन हो रहा है बैक आओ, लैब पे आओ, सीधे टास्क वन पे आ जाओ। यहाँ पे आपको आपका रीजन देखने को मिल जाएगा। नीचे स्क्रॉल करना हल्का सा और नीचे स्क्रॉल करना, रीजन। ओके, नहीं दिख रहा, REGION कंट्रोल एफ करके सर्च कर लो, मिल गया मुझे रीजन। ओके, तो यहाँ पे आके इस कमांड को पेश करूंगा, व्हाइट स्पेस को आगे लेके आऊंगा, अगेन जाऊंगा बैक जाकर जो है इस US सेंट्रल वन मेरा जो रीजन है उसको कॉपी करूंगा। आपका रीजन कॉपी करना, पेस्ट करना, एंटर दबाना, अगेन आ जाना है बैक आके इधर आना है एंड बची हुई सारी कमांड को आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करके यहाँ पे आना है और पेस्ट करना है, एंटर दबाना है, ऑथोराइज करने का आएगा, ऑथोराइज कर देना और इसको एग्जीक्यूट हो जाने देना। सो यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट हो चुकी है। अगेन बैक जाएंगे, लैब पे जाएंगे, सीधे टास्क 2 पे क्लिक करूंगा, टास्क 1 के ऊपर आ जाऊंगा जरा से मैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमें टास्क 1 का चेक माय प्रोग्रेस दिख रहा है, यहाँ पे हमने चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक कर दिया है। टास्क कंप्लीटेड, टास्क 2 पे चलते हैं, टास्क 3 पे चलते हैं, टास्क 4 पे चलते हैं, ये चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक कर। आई थिंक 2 ही टास्क इस लैब में और आगे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, है एक और टास्क है, चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक कर देना, ये भी कंप्लीट हो जाएगा एंड आगे बढ़ते लेवल 8 एंड खत्म लैब। तो यहाँ पे मैं एंड लैब पे क्लिक करता हूँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अगेन बैक जाता हूँ एंड इस पर्टिकुलर लैब को मैं क्लोज करके लीव पे क्लिक कर देता हूँ। कैंसिल पे हम क्लिक करेंगे, अगेन इस वाली चीज पे क्लिक करना क्योंकि हमें देखना है नेक्स्ट लैब कौन सी है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारी 50% लैब कंप्लीट हो चुकी है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये 2 लैब हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस वाली वीडियोस में, जो प्रीवियस वाली वन गो स्किल बैच वाली करते हुए है उसका पार्ट थी, तो ऑटोमेटिकली ये सारी हमारी लैब्स कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब अगर आप लोग चाहो तो प्रीवियस वाले सॉल्यूशंस देख लेना, है ना, और कर लेना, क्योंकि यार ये एक एक करके वापस बताने का सेंस नहीं है। चलो नहीं तो आप बोलोगे भैया बता नहीं रहे हो, कर देते हैं। IIM क्विक स्टार्ट पे हम क्लिक कर देते हैं एंड यहाँ पे मैं स्टार्ट लैब पे क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ पे हम स्टार्ट लैब पे क्लिक कर चुके हैं, ठीक है। सो यार यहाँ पे आपके सामने 2 यूजर नेम है। सिंपली मैं क्या करूंगा, इसको जो इनकॉग्निटो मोड में ओपन करूंगा, अगेन बैक आऊंगा, अगेन यहाँ से फर्स्ट यूजर नेम को कॉपी करूंगा, अगेन इस साइड पे आऊंगा, पेस्ट करूंगा, एंटर दबाऊंगा, अगेन बैक जाऊंगा। पासवर्ड जो है सबके लिए सेम होगा तो कॉपी कर लेना एंड इधर आऊंगा, पेस्ट करूंगा, एंटर दबा दूंगा। अगेन इसको ओपन हो जाने देना कंप्लीटली, जैसे ओपन होकर कॉन्सोल पे ओपन होता है मैं आपको आगे वीडियो में मिलता हूँ। सो यार यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने क्लाउड कॉन्सोल पे। यहाँ पे जो है मैं इसकी साइज जो है कॉन्सोल को सेल को ओपन करके साइज इसकी इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। एंड ये मैंने साइज इंक्रीज कर दी है, इसको मैंने हटा दिया है। कंटिन्यू ऑप्शन है, कंटिन्यू पे टैप कर देना, अगेन बैक आना, लैब नेम को आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, इधर आना है, सर्च बार में मैं इसको पेस्ट कर दूंगा एंड यहाँ पे देखिएगा क्लाउड IIM क्विक स्टार्ट, इसको मैं क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे जो है यूजर नेम 2 को कॉपी कर लेना है एंड इधर आना है, इधर गॉट इट पे हमें टैप कर देना है एंड इधर आके जो है मुझे इसको पेस्ट करना है, व्हाइट स्पेस को आगे लेके आना है, अगेन बैक जाना है, बैक आना है, यहाँ पे जो है यूजर नेम 2 दिख रहा है इसको कॉपी कर लेना है, अगेन इस साइड पे आना है, पेस्ट करना है, एंटर दबाना है। ओके, अगेन बैक जाएंगे, इधर जाएंगे एंड यहाँ से जो है इतने पार्ट को हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद जो इस साइड पाएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे, ऑथोराइज करने का आएगा, ऑथोराइज पे क्लिक कर देना, या लीजो लैब ये भी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए यहाँ पे लैब एग्जीक्यूट हो चुकी है। अगेन हम जाएंगे बैक, जाएंगे अपनी लैब पे, सीधे आ जाएंगे टास्क 1 पे, नीचे स्क्रॉल करना स्टार्ट करेंगे, करते जाएंगे टास्क 2 एंड चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करेंगे, या लो जो टास्क है कंप्लीट हो जाएगा। नीचे चलते हैं और नीचे चलते टास्क 3 पे, चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करेंगे, या लो जो टास्क है भी कंप्लीट हो जाएगा। टास्क 4 एंड चेक माय प्रोग्रेस, या लो जो टास्क है भी कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे जो है आपकी लैब हो गई है कंप्लीट, ये पर्टिकुलर लैब भी, तो एंड लैब पे क्लिक कर देंगे, एंड लैब पे क्लिक कर देंगे,
एंड या कंप्लीटेड, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको मैं लीव कर देता हूँ। ओके तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ, चलते हैं हम सीधे वापस से बैक। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट लैब पे। डोंट वरी, इस पर टिक है वो भी बताता हूँ, नहीं तो काफी से लोगों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी होगी तो उनको एरर आएगी। ठीक है तो ये कंप्लीट, अब हम करने जा रहे हैं क्लाउड मॉनिटरिंग क्विक स्टार्ट लैब को, तो इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ एंड अगेन स्टार्ट करके कंसोल को इनको मोड में ओपन करके आपको आगे वीडियो में मिलता हूँ। सो हम यहाँ पे आ चुके अपने क्लाउड कंसोल के अंदर, यहाँ पे क्लाउड शेल को एक्टिवेट करूंगा, इसकी साइज जो है मैं इंक्रीज कर दूंगा, अगेन इसको मैं यहाँ से यू करूंगा एंड यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, अगेन कंटिन्यू पे टैप कर देना है, अगेन आना है आपको बैक, लैब नेम को यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी करके इधर आना है गिटहब पे, अगेन पेस्ट करेंगे एंड सर्च करेंगे, इस फाइल को ओपन कर लेंगे। ठीक है यहाँ पे हमने ओपन कर लिया है, यहाँ पे हमें जोन की कमांड को कॉपी कर लेना है, अगेन इस साइड पे आना है, इसको हो जाने देना है एक बार ओपन। ओके तो यहाँ पे हमारा जो शेल है ओपन हो चुका है, इसको मैं पेस्ट करूंगा, व्हाइट स्पेस को आगे लेके आऊंगा, अगेन यहाँ से मैं जाऊंगा बैक, बैक जाके अगेन लैब पे जाऊंगा, सीधे टास्क वन पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे आपको आपका जोन देखने को मिल रहा होगा, आपको कॉपी कर लेना, आपका अलग हो सकता है, मेरा अलग, यहाँ पे आके पेस्ट करूंगा, एंटर दबाऊंगा, अगेन मैं जाऊंगा बैक, बैक जाकर इधर जाऊंगा एंड इधर जाके अगेन ये पूरा का पूरा कोड ए टू जेड जितना भी कोड है सब आप कॉपी कर लेना, कॉपी करने के बाद अगेन इस साइड आना, पेस्ट करना, एंटर दबाना, ऑथोराइज करने का आएगा, ऑथोराइज पे क्लिक कर देना एंड इसको एग्जीक्यूट हो जाने देना। ओके यहाँ पे जो हमारी कमांड एग्जीक्यूट हो चुकी है, अगेन हम जाएंगे बैक, बैक आके नीचे स्क्रॉल करना स्टार्ट करेंगे, चेक में प्रोग्रेस पे क्लिक करेंगे, वाला जो टास्क है कंप्लीट हो जाएगा, नीचे स्क्रॉल करते हैं सेकंड टास्क पे, इन दोनों पे ही चेक में प्रोग्रेस पे मैं क्लिक कर देता हूँ, दोनों ही टास्क अपडेट होने में टाइम लगेगा, डोंट वरी। ओके सो अगेन क्लिक एंड वेट करते हैं इसके एग्जीक्यूट होने का। ठीक है ये हो गया, ये भी हो जाएगा सेम एज, अगेन ये भी अपडेट होने में टाइम लगाएगा बट हाँ टिक मिल जाएगा, कोई इशू की बात नहीं। नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड थर्ड टास्क की तरफ बढ़ेंगे, फोर्थ टास्क, चेक माई प्रोग्रेस पे क्लिक करेंगे एंड आई थिंक ये लास्ट टास्क होने वाला है इस पर्टिकुलर लैब का एंड आई थिंक आगे नहीं होना चाहिए कुछ भी। तो या लैब कंप्लीटेड, याली लैब भी आके कंप्लीट होती है, एंड लैब पे क्लिक करना, आपको आपका जो टिक है वो मिल जाएगा। बैक आऊंगा, इस लैब के इस चीज़ों को क्लोज कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा, अगेन चले जाऊंगा सेटअप एंड ऐप एनवायरमेंट वाली स्किल बैच पे, नीचे स्क्रॉल करूंगा, नीचे स्क्रॉल करने के बाद अभी तक हमने ये कर लिया, अब इन दोनों में से कोई एक करना है तो हम ले लेंगे क्लाउड फंक्शन क्विक स्टार्ट को ले सकते हैं या क्लाउड फंक्शन क्विक स्टार्ट कमांड लाइन को ले सकते हैं। तो मैं जो है कमांड लाइन पर टैप करूंगा और इसको कंप्लीट कर दूंगा, इन दोनों में से एक कोई सा भी आप कर लेना, तो आप अगर सेकंड वाला कर रहे हो मेरे साथ तो वो भी चलेगा। ठीक है यहाँ पे हम स्टार्ट लैब पे क्लिक कर देंगे, स्टार्ट लैब पे क्लिक करने के बाद अगेन वही पासवर्ड को कॉपी करके कंसोल को इनकॉग्निटो मोड में ओपन करके आपको आगे वीडियो में मिलता हूँ। यहाँ पे मैं आ चुका अपने क्लाउड कंसोल पे, अगेन क्लाउड शेल को एक्टिवेट कर दूंगा, साइज जो है मैं इसकी इंक्रीज कर दूंगा, इधर से इसको रिमूव कर दूंगा एंड यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, कंटिन्यू पे टैप कर दूंगा, अगेन आ जाऊंगा बैक, बैक आके इस पर्टिकुलर नेम को कॉपी करूंगा, आ जाऊंगा अपने गिटहब पे एंड सर्च बार में पेस्ट कर दूंगा एंड यहाँ पे आपको दिखेगा क्लाउड फंक्शन क्विक स्टार्ट कंसोल, तो कंसोल वाले को ओपन कर सकते हो, कमांड लाइन को, कमांड लाइन को ओपन कर लेना। ठीक है कंसोल में भी सेम ही कमांड है एंड आपको क्या करना है, इस रीजन वाले इक्वल्स टू तक कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद अगेन आना है आपको इस साइड पे, इसको यहाँ पे पेस्ट करना है, व्हाइट स्पेस आगे लेके आनी है, अगेन बैक जाना है, बैक जाना है, टास्क वन पे क्लिक करना है, यहीं पे आपको आपका रीजन देखने को मिल जाएगा, तो रीजन रीजन नहीं दिख रहा, अगेन क्या करने का बोला था मैंने ये, ठीक है कंट्रोल एफ एंड सर्च कर लेना, तो यहाँ पे मुझे मेरा रीजन दिख चुका है, कॉपी कर लूंगा, इधर आऊंगा पेस्ट करूंगा, एंटर दबाऊंगा, अगेन बैक आ जाऊंगा, इधर आऊंगा एंड फुल जितना भी कोड है फुल कॉपी कर लेना, कोई इशू की बात नहीं है एंड यहाँ पे अगेन इस साइड पे आके पेस्ट कर दूंगा, एंटर दबाऊंगा, ऑथोराइज करने का ऑथोराइज पे क्लिक कर देना एंड लेट इट बी एग्जीक्यूट। ओके तो हमें कुछ ऐसी एरर आ गई है, ठीक है अगेन हम क्या करेंगे, अगेन इधर जाएंगे, अगेन इस साइड पे जाएंगे, अगेन हम क्या करेंगे, अगेन इस फुल पूरे के पूरे कोड को आप कॉपी कर लो, ठीक है एंड आप अपना कोड हटा देना आप वहां से, ठीक है जो रीजन वाला था, अब इसको रन कर दो अगर एरर आ रही है तो, ठीक है क्योंकि यार काफी बार ऐसा होता है कि रीजन की वजह से काफी ज्यादा इशू आ जाते हैं और उसकी वजह से एरर चलती जाती है और वो हटती नहीं है। ओके सो ये भी एक रीजन हो सकता है, तो वेट करना है इसके एग्जीक्यूट होने का एंड देखते हैं कि ये रन होता है कि नहीं होता है। सो यहाँ पे कमांड वर्क कर गई है, अगेन हमें जाना है बैक, बैक आके नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करके टास्क टू पे चेक माई प्रोग्रेस, अगेन चेक करते हैं हमारा टास्क कंप्लीट है, हो गया है, नीचे स्क्रॉल करते चेक माई प्रोग्रेस, क्या टास्क कंप्लीट हो रहा है, अगेन अपडेट होने में टाइम लेता है तो आपको वेट करना पड़ेगा। ओके टास्क कंप्लीटेड, टास्क फाइव, टास्क सिक्स एंड लैब कंप्लीट, एंड लैब पे क्लिक करेंगे, एंड लैब पे क्लिक करेंगे, याली जो लैब है कंप्लीट हो गई है, इधर से आके इसको भी मैं क्लोज कर दूंगा, इस वाली स्किल बैच में थोड़ी ज्यादा लैब्स है तो थोड़ा मैं टाइम लग रहा है कंप्लीट करने, बट नो इशू। ठीक है अगेन मैं बैक आता हूँ, बैक आके जो है नीचे स्क्रॉल करता हूँ, नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप देख सकते हो तो हमारा जो है क्लाउड फंक्शन कमांड लाइन अपडेट टिक नहीं दिखा रहा है, रिफ्रेश करोगे तो टिक दिखा देगा। ठीक है तो नॉट एन बिग इशू, ये हमारा काम जो है डन हो चुका है। ओके टिक नहीं दिखा रहा है यार, कोई इशू की बात नहीं है, आप कंसोल वाला भी ले सकते हो, बाकी टिक दिखा देना चाहिए हमारी, क्योंकि लैब परफेक्टली डन हो चुकी है तो वो टिक लग जाएगा। ठीक है वो कोई बड़ी बात नहीं है एंड या हमने कंसोल पे क्लिक करा था ना आई थिंक, या कमांड लाइन पे क्लिक करा था, मुझे नहीं पता हमने किस पे करा है, कमांड लाइन पे क्लिक करा है। ओके तो अगेन मैं रिफ्रेश करता हूँ,
एंड टिक लग जाना चाहिए, टिक पता नहीं क्यों नहीं लग रहा है अभी तक, बट हाँ टिक लग जाना चाहिए था। ओके अरे गाइस यहाँ पे एक टिक ऑलरेडी लगा है तो आपको नीचे टिक नहीं मिलेगा, ठीक है माय मिस्टेक, ये मेरी गलती है कि ये गलती हो गई है। एंड देखो जहाँ पे भी और है तो एक ही टिक लगा दिखेगा, सो ये गलती हो गई है, बाकी टिक लग जाएगा ठीक है। हाँ वही सोच में कंप्लीट क्यों नहीं हुआ। अब यहाँ पे तीन लैब दिए, इसमें से कोई सी भी एक लैब कर सकते हो, तो हम करेंगे पब सब क्विक स्टार्ट पाइथन या पब सब क्विक स्टार्ट कॉन्सोल, तो हम क्विक स्टार्ट कॉन्सोल वाली करेंगे। इसको हम स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्ट लैब पे क्लिक कर देंगे, एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगेन वही पासवर्ड को कॉपी करके कॉन्सोल को इनकॉग्निटो मोड में ओपन कर लेंगे। सो यार मैं क्या कर रहा हूँ, सो हम आ चुके अपने कॉन्सोल पे, कॉन्सोल पे आके हमने क्लाउड शेल को एक्टिवेट कर लेंगे। क्लाउड शेल को एक्टिवेट करके साइज इंक्रीज कर देता हूँ सभी लोगों के लिए। ओके कंटिन्यू का यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आएगा, कंटिन्यू पे टैप कर देना, इसको हो जाने देना है आपको ओपन। अगेन बैक आएंगे, इस पर्टिकुलर चीज को कॉपी करेंगे, इधर आएंगे कंट्रोल ए कंट्रोल वी। अब यहाँ पे जो है स्लैश जो है ना पी पब के बाद इसको रिमूव करके स्पेस देना, तो यहाँ को आपको दिख जाएगा पब सब कुछ स्टार्ट कॉन्सोल, तो इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद अगेन इन दोनों ही टॉपिक्स को कॉपी कर लेना एंड आ जाना है अपने को अपनी लैब पे, एंड इधर आके पेस्ट करना है, एंटर तो बना ऑथोराइज पे क्लिक कर देना, यहाँ जो टास्क है ये कंप्लीट हो जाएगा, लैब कंप्लीट हो जाएगी। ओके यहाँ पे हम नीचे स्क्रोल करते हैं एंड करते जाते ओके ओके ओके। एंड यहाँ पे जो है टास्क वन चेक माई प्रोग्रेस, सारा जो टास्क है कंप्लीट हो जाएगा, अपडेट होने में टाइम लेगा क्योंकि वो अभी क्रिएट हो रहा है ठीक है। अपडेटेड डन, नीचे स्क्रोल करेंगे एंड अगेन चेक माई प्रोग्रेस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ जो टास्क है अगेन अपडेट होने में टाइम लेगा, अगेन क्लिक जी हाँ कंप्लीटेड आ गया, और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं इस लैब में एज फार एज आई नो ठीक है। तो याली लैब कंप्लीट हो गई, आप एंड लैब पे क्लिक कर दो, एंड लैब पे क्लिक कर दो ठीक है। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे वापस से बैक, अगर आपको टिक भी देखने को मिल जाएगा इस पर्टिकुलर लैब पे ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमें ये टिक मिल चुका है, अब हम चलते हैं अपनी लास्ट लैब सेटअप एंड ऐप डेव एनवायरमेंट जो भी इन्हें बोला है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको मैं लीव कर देता हूँ ठीक है। एंड ये हमारा डन हो चुका है, इसको मैंने ओपन कर लिया है सेटअप ऐप डेव, ये चैलेंज लैब है, इसको भी फटाफट कंप्लीट करके काम खत्म करते हैं, इस बैच को शो करता हूँ कि मुझे बैच मिला है नहीं मिला है। तो यार यहाँ पे हमने ओपन कर लिया है, अगेन मैं स्टार्ट करके कॉन्सोल को इनकॉग्निटो मोड में ओपन करके आपको आगे वीडियो में मिलता हूँ। सो यार कॉन्सोल ओपन हो चुका है, यहाँ पे आके क्लाउड शेल को एक्टिवेट करूंगा, साइज जो है मैं इसकी इंक्रीज कर दूंगा, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा, नोटपैड को यहाँ से हम ओपन कर लेंगे नॉर्मली, एंड कंटिन्यू ऑप्शन है तो कंटिन्यू पे टैप कर दूंगा, है ना नोटपैड हमने ओपन कर लिया है एंड ये अलग चीज़ है ठीक है, इसको इग्नोर करना क्योंकि हम जावा भी पढ़ाते हैं। ओके सो यहाँ पे आके जो है इस चीज़ को कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद जो इधर आना है, इधर आके सर्च बार में इसको पेस्ट कर देना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगी फाइल, इस पर आपको टैप कर देना है, टैप करने के बाद इन सारी चीज़ों को कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद अपने नोटपैड में पेस्ट कर लेना, अगेन जाना है लैब पे, आना है टास्क वन पे, एंड यहाँ पे जो है आपको यूएस ईस्ट 4 आपका रीजन दिख रहा होगा एंड आपका यहाँ पे जोन दिख रहा होगा ठीक है। तो आप इस जोन को कॉपी कर लो अगेन आ जाओ इधर एंड जोन की जगह पे इसको पेस्ट कर दो। टॉपिक नेम कहाँ मिल जाएगा आपको, तो टॉपिक नेम आपको नीचे मिल जाएगा, तो टॉपिक का नाम है टॉपिक मेमोरी 355 आपका अलग हो सकता है, आप इसको कॉपी करना ठीक है एंड टॉपिक नेम की जगह पे पेस्ट कर देंगे। अगेन नीचे जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, थंबनेल का आपको यहाँ पे नाम लिख जाएगा, फंक्शंस का आपको नाम दिख जाएगा, तो इसको हम कॉपी कर लेंगे, इधर जाएंगे फंक्शंस नेम की जगह पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, एंड अगेन लास्ट बट नॉट द लीस्ट यूजर नेम 2 का यहाँ से कॉपी कर लेना, अगेन इस साइड पे जाना एंड यूजर नेम 2 को पेस्ट कर देना, कंट्रोल ए कंट्रोल एक्स कर लेना, अगेन जाना इस साइड पे पेस्ट करना, एंटर दबाना। अब हम जाएंगे कोड पे, कोड पे आ जाने के बाद आपको फुल कोड को एक ही बार में कॉपी कर लेना है ठीक है, जितना भी कोड है एंड कॉपी करके आपको जो है इसको यहाँ पे पेस्ट करके एंटर दबा देना, ऑथोराइज होने के लिए आएगा, ऑथोराइज पे क्लिक कर देना और हो जाने देना इसको एग्जीक्यूट। अगर आपको ये बीच में ऐसी एरर दिखे तो इग्नोर करना उसको, कोई इशू की बात नहीं है ठीक है, एंड कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं होगी, इसको एक बार हो जाने दो कंप्लीट, जैसे कंप्लीट होता है मैं आपको आगे वीडियो में मिलता हूँ। यहाँ से कमांड एग्जीक्यूट हो चुकी है, इसको यार एग्जीक्यूट होने के बाद 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना ठीक है, उसके बाद आना आपको बैक, देन चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करना है, टास्क वन कंप्लीट हो जाएगा, नीचे स्क्रॉल करेंगे टास्क 2 पे क्लिक करेंगे, ये जो टास्क है भी कंप्लीट हो जाएगा, टास्क 3 पे चलते हैं, नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड या चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करेंगे, ये जो टास्क है ये भी कंप्लीट हो जाएगा बिना किसी इशू के, टास्क 4 पे चलते हैं, टास्क 5 एंड चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करेंगे एंड ये जो टास्क है ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, अपडेट होने में टाइम लेगा, 2 मिनट देना उसको ठीक है, एंड देन चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक कर देना। सो यार टास्क कंप्लीटेड, लैब कंप्लीटेड, एंड लैब पे क्लिक करता हूँ एंड शो कर देता हूँ हमें बैच मिला है कि नहीं। ओके एंड मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ एंड प्रोफाइल पे जाता हूँ एंड पब्लिक प्रोफाइल पे जाता हूँ, तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखो आज के दिन हमें जो है अर्न हो चुका है सेटअप एंड एनवायरनमेंट डेव ऐप डेव एनवायरनमेंट ऑन गूगल क्लाउड। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।